नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो विकास पे और मैं आपका होस्ट विकास। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम लोग बस एक से दो मिनट में अपना वोटर आईडी जो है वो ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभार होता है कि हम लोग वोटर आईडी रख के कहीं और भूल जाते हैं, तो उस समय पे आपको जो है अर्जेंटली आपका वोटर आईडी चाहिए होता है। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो आपकी बहुत परेशानियों को जो है आपको शायद ही अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड का जरूरत होगा, क्योंकि तो आज जो मैं बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जब चाहें अपना वोटर आईडी अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एक से दो मिनट में, क्योंकि दोस्तों ये जो है वो बहुत जगह आपका काम आता है। और आज के डेट में आपको जो है आपकी पहचान पत्र बहुत ज़रूरी होती है, हर जगह आपको शो करना होता है। तो दोस्तों अपने इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा, एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि हम लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड इंटरनेट से। तो स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन है उसे दबा दें, और उसके ठीक बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा दें, जिससे होगा क्या कि मैं अपनी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुँचा पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा कि हम लोगों को ये एक साइट खोलना होगा, इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके और इस साइट तक आ सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है, और इसके राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे एक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे चले जाएंगे, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रल रोल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इसे क्लिक करने के बाद एक नया पेज फिर से ओपन होगा, और यहाँ पे जो है आप अपना नाम डालें, अपना जो बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको इनपुट करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ से भी अपना जो है वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं सारा चीज फिल करने के बाद, बट मैं इतना नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन जो है पहचान पत्र का द्वार खोज, सर्च बाय ईपिक नंबर, ठीक है। तो मैं अपना ईपिक नंबर है यहाँ पे डालता हूँ अभी, और फिर मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मुझे ये जो कैप्चा है उसे यहाँ पे एंट्री करना होगा, और फिर सर्च करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मुझे नीचे में एक शो कर रहा है मेरा जो वोटर आईडी का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक्शन में व्यू डिटेल्स है, एपिक नंबर मेरा ये है, नेम ये है, एज मेरा क्या हो रहा है उसके हिसाब से, मेरे पापा का नाम, मैं किस स्टेट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग स्टेशन, फिर असेंबली, फिर पार्लियामेंट, इस तरह का है। और फिर आपको जो है यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। आप जैसे ही व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक और पेज ओपन होगा, और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको शो कर रहा है प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे जो है एक डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, और मैं यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ और फिर मैं इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो डाउनलोड हो गया है, आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा हूँ मैं। और ये जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है ये मैंने इसी की साइट से डाउनलोड की है, ये लीगल है, और आपको आप जहाँ पे भी वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको ये वाला जो पीडीएफ फॉर्मेट एक डाउनलोड हुआ है, आपकी सारी डिटेल्स है इसमें, तो आप उसको जो है वहाँ शो कर सकते हैं, और ये आपका वोटर आईडी है, इसका इस्तेमाल जो है मैं कहीं भी कर सकता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि आपको वोट देने जाना है और आपका वोटर आईडी मिल नहीं रहा है, तो इस केस में क्या है ना कि आप इस जो पीडीएफ फॉर्मेट है इसे आप वहाँ पे शो करेंगे तो आपको इजीली विदाउट एनी क्वेश्चन आपको वोट देने के लिए मिल जाएगा, वोट डालने से कोई नहीं रोक सकेगा, आप इसका प्रिंट निकाल के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही वो तरीका है जिससे हम लोग ऑनलाइन अपना वोटर आईडी कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी एक से दो मिनट में। यहाँ पे दोस्तों आपका जो ईपीआईसी नंबर है, ईपीआईसी नंबर के द्वारा किसी भी सरकारी कार्यालय में जा करके आप इसका ओरिजिनल प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं जिसमें आपकी फोटो भी लगी होगी। अगर आप ऑनलाइन पहचान पत्र बनवाना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पे इस पेज में आपको जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, तो आप इस पे क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वोटर आईडी के लिए। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने डाउनलोड करके आपको पीडीएफ दिखाया है अभी, इसमें हमारा फोटो जो है वो सिक्योरिटी रीजन से नहीं डाला गया है, क्योंकि इसमें मैंने आपके सामने अभी डाउनलोड किया, मुझे ना तो कोई SMS के थ्रू OTP आया और ना ही इसमें अदर डिटेल्स पूछी गई, मुझे पूछा गया तो बस ईपिक नंबर। तो इसे होगा क्या दोस्तों कि आपका, मान लीजिए दोस्तों कि आपका ईपिक नंबर किसी के पास चला जाए तो आपका जो
वोटर आईडी है वो ऑनलाइन किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकता है। तो इस केस में जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगा, बट आप अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जा करके और इसका जो है ओरिजिनल कॉपी निकलवा सकते हैं अगर आपका वोटर आईडी खो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।